गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड एज वेल. सो टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आज मेरी का बर्थडे है एंड हैप्पी बर्थडे माई डियर सिस्टर. एक्चुअली आई हैवन्ट प्लान्ड एनीथिंग अबाउट हर बर्थडे बट आई एम स्टिल होपिंग कि मैं उसके बर्थडे के लिए कुछ अच्छा करूँ. एक्चुअली वी हैव प्लान कि हम क्या करने वाले हैं. एक्चुअली हमने सोचा कि हम खाना वाना खाएंगे एंड थोड़ा सा घूमेंगे. ज़्यादा हमारी प्लानिंग नहीं है क्योंकि हम वैसे ही लेट हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए बिकॉज़ आई एम गोइंग टू रोडू और मैं अभी घर पे हूँ तो टाइम तो लगेगा ही. और मैं आपको एक दुख भरी कहानी बताऊँ. आपको दिख रहा होगा मेरी आइज़ के पास एक निशान. एक्चुअली ये मुझे कैसे लग गया मुझे खुद भी पता नहीं बट इट्स स्टिल पेनिंग एंड आई कांट इवन ओपन माय आईज़ प्रॉपरली क्योंकि इतना दुख रहा है. एंड जब भी मैं आईज़ बड़ी करती हूँ तब भी दर्द होता है एंड जब मैं आंखें बंद करती हूँ तब भी. और ये इस साइड है जिस साइड में सबसे ज़्यादा सोती हूँ तो सोने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे. बट जस्ट मूव इट ऑल. अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि मुझे होना है तैयार. वैसे मुझे ज़्यादा तैयार नहीं होना है क्योंकि मन भी नहीं है कि मुझे रुडू जाके फिर से तैयार होना पड़ेगा. इसलिए मैंने सोचा कि बस थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ताम झाम तो पसंद है नहीं. तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद. सो आई कैच यू लेटर गाइस. फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने रूम पे. अभी दीदियाँ हैं नहीं तो जब दीदी आ जाएंगे तो आपसे मिलते हैं. फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट में और मिलिए मेरी सिस्टर से बर्थडे गर्ल से एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. थैंक यू. सो अभी हम जाएंगे मार्केट में थोड़ा सा घूमेंगे फिर आपसे धीरे धीरे बात भी करेंगे. सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. गाइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है आप देख सकते पंचतन और हम यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है. गाइस देखिए मेरे दांत को कितना खराब दिख रहा है. टेबल चेंज कर दिया है क्योंकि हम बीच में बैठे थे और वहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. मुझे पंचतन की सबसे बेस्ट जगह यहाँ पे लगती है क्योंकि यहाँ पर जो मिरर है आप यहाँ से मार्केट का व्यू देख सकते हो और यहाँ पर बैठ कर काफ़ी अच्छा लगता है. तो फाइनली हमें ये जगह मिल गई क्योंकि यहाँ पहले कोई और बैठे थे वो चले गए फिर हम यहाँ आ गए और मैं और यहाँ दीदी बैठे हुए हैं. अभी आराम से अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं. जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद हम आपसे मिलेंगे. खाना हो चुका है एंड दीदी बताइए आपको कैसा लगा. Awesome. Actually, the food was good. पर दीदी ने पहले ही बहुत सारा खा लिया था तो ज़्यादा खा नहीं पाई है. तो अब हम चलते हैं. एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है.
पेस्ट्री की शॉप में और हम लेने वाले हैं पेस्ट्री यहाँ से। कौन सी लेनी है? चॉकलेट। भैया कर दी करेले करना। दीदी को मिल गया छोटा सा पप्पी। तो गाइस आप पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और रात हो चुकी है काफी। टाइम क्या होती थी? टाइम हो गया है 8:30। 8:30? ओ गॉड 8:30 हो चुके हैं। 7:30 हुए हैं। ये क्या मजाक कर रही है। सो गाइज इसी के साथ ही मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक बार दीदी को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी। सो बाय बाय।